गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों के पास ऐसे ऐसे हथियारों का अब पता चला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इजराइल की टनल वॉर यूनिट को हमास की सुरंगों में रूस, तुर्की, उत्तर कोरिया और ईरान में बने रॉकेट, गन और बम मिले हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों को हमास के बेशुमार खजाने का भी पता चला है। ईरान, कतर, सऊदी और तुर्की की कई कंपनियां हमास की फंडिंग में लगी हैं। अतः पैसों की बदौलत कैसे काम करता है ये नेटवर्क, देखिए हमारी आज की ये रिपोर्ट। पैसे और हथियार हमास के कितने मददगार, गाजा में नरसंहार, हमास का रिचार्ज। الهيار ار بيرنينج ذبيب بيرنينج برد عليهم برد عليهم برد عليهم برد عليهم كان الظل مليانة مكان اقناع हमास के पास थर्मोबैरिक बम महातबाही में, वक्त बहुत कम। जिससे धरती फाड़ तबाही, वो ताकत हमास तक किसने पहुंचाई? गाजा में हमास का ठिकाना, दोहा इस्तांबुल में खजाना। ब्लैक मनी का रेतीला रूप, सुरंगों में करोड़ों की लूट। दाइफ हानिया एर्दोआन, आतंकियों का खजांची कौन? क्या हमास के पास थर्मोबैरिक बम आ गया है? क्या गाजा की सुरंगों के अंदर तुर्की और रूस के हथियार पहुंचा दिए गए हैं? क्या सुरंगों के मकर जाल में इजराइल की टनल वॉर यूनिट का सामना हमास की घोस्ट आर्मी के अलावा ऐसे ऐसे घातक हथियारों से होने वाला है जिनके बारे में कुछ दिन पहले तक इजराइल की खुफिया एजेंसियां भी कुछ नहीं जानती थी? सुरंगों के अंदर आमने सामने की जंग में इजराइल की टनल वॉर यूनिट को सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि हमास के आतंकियों के पास से तुर्की और रूस के हथियार और थर्मोबैरिक ग्रेनेड मिले हैं।
इसराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुस चुकी है। टनल वॉर यूनिट हमास की सुरंगों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। हमास के हथियार खाने ढूंढे और बर्बाद किए जा रहे हैं। इसराइल की सेना गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों और बंधकों को ढूंढ रही है। बंधकों को ढूंढते ढूंढते इसराइल की सेना का हमास के आतंकियों के साथ कई बार आमने सामने का एनकाउंटर हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमास के आतंकी इसराइल की सेना पर रूस में बनी AK-47 से हमला कर रहे हैं। हमास के हथियार खानों से थर्मोबैरिक ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सुरंगों के अंदर हमास के हथियार डिपो में भारी मात्रा में तुर्की के बने एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर भी मिले हैं। हमास के घातक शस्त्रागार में ईरान के कई आधुनिक हथियार मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका और इसराइल से युद्ध लड़ने के लिए हमास के आतंकियों को ईरान, तुर्की और रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी की पूरी तरह घेराबंदी कर रखी है, यानी इस वक्त हमास के आतंकियों तक हथियारों की नई खेप पहुंचाना मुश्किल है। हमास के आतंकियों के पास रूस, तुर्की और ईरान के आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप बता रही है कि ये तैयारी पुरानी है। हमास के पास विदेशी हथियारों का विशाल भंडार बता रहा है कि आतंकी लंबे समय से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही खर्च नहीं होते, युद्ध की तैयारी और जंग जारी रखने के लिए बेहिसाब दौलत खर्च होती है। सवाल यह है कि हमास के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? हमास की फंडिंग का मुख्य जरिया क्या है? सुरंगों के अंदर मौजूद हमास के आतंकियों तक हथियार पहुंचते कैसे? Regarding the what's called the lad grand invasion to Gaza Strip, I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed, and our brigades, Qassam brigades, highly prepared, and they successfully fought against the attempts of the occupation forces to invade Gaza, and they succeeded to cause them damages and big losses in Gaza Strip. हमास लंबे समय से इसराइल के साथ अपनी लड़ाई में रॉकेटों पर निर्भर रहा है, लेकिन इस वक्त इसराइल की सेना को सिर्फ एक हथियार ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है।
ये कंफर्म हो गया है कि हमास के पास रूस में बने थर्मोबैरिक ग्रेनेड है। लेकिन क्या हमास के आतंकियों ने सुरंगों के 500 किलोमीटर लंबे मकर जाल में थर्मोबैरिक बम भी छिपा कर रखा हुआ है? मोसाद के एक एजेंट ने बड़ा खुलासा किया है। इस एजेंट ने बताया कि हमास को लड़ने के लिए हथियार और दौलत कौन और कैसे पहुंचा रहा है। फिलिस्तीन के नाम पर और गाजा पट्टी में रहने वालों की मदद के लिए जितना भी पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल हमास अपने आतंकी उद्देश्यों को पूरा करने में कर रहा है। गाजा में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिजबुल्ला और हमास के आतंकी आका कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमास तक इतना पैसा पहुंच कहां से रहा है? मोसाद के पूर्व एजेंट उजी शाया ने खुलासा किया है कि जंग के मैदान में भी कतर और ईरान से हमास के आतंकियों तक बेहिसाब रकम पहुंचाई जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से हमास के आतंकियों तक कतर से कम 40 करोड़ पाउंड और ईरान से 20 करोड़ पाउंड की रकम पहुंचा दी गई है। मोसाद के पूर्व एजेंट उजी शाया ने यह खुलासा भी किया है कि अमीरात, सूडान, अल्जीरिया और तुर्की की काम करने वाली कुछ कंपनियों के जरिए ये पैसा हमास के आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है। हमास के आतंकियों तक पैसा पहुंचाने का सबसे आसान जरिया क्रिप्टो करेंसी है। हमास देखने में भले ही गाजा पट्टी में सिमटा एक छोटा सा आतंकी संगठन दिखता हो, लेकिन उनका फंडिंग नेटवर्क बहुत बड़ा है। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टा.कॉम ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर है लेबनान से इसराइल पर मिसाइल हमले करने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्ला। हिजबुल्ला की फंडिंग एक साल में $110 करोड़ यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गाजा पट्टी में इसराइल का दुश्मन नंबर एक हमास। हमास को हर साल कम से कम $100 करोड़ की फंडिंग मिलती है। $100 करोड़ का मतलब है करीब 8,300 करोड़ रुपए। सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर की लंबाई वाला गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास 550 अरब डॉलर से ज्यादा की जीडीपी और 1.5 लाख की सेना वाले इसराइल से जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमास और उसके आतंकी आकाओं पर इसराइल में खून बहाने के लिए पैसा बरसता है। फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली मदद है। हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली पुलिस ने जांच के बाद बार्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो हमास की फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए ही नहीं पहुंचता, हमास तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए तेजी से पैसा पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। दावा था कि ये हमास से जुड़े थे और उनमें 2020 से 2023 के बीच $4 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आई थी। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम $4 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली। हमास ने गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है।
गाजा की ये सुरंगें एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे सुरक्षित जरिया है। गाजा में ज्यादातर व्यापार भी इन्हीं सुरंगों के जरिए होता है। हैरानी की बात यह है कि जो हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग करवाता है, उसी हमास के आतंकी गाजा की सुरंगों से सामान ले जाने वाले गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूल करते हैं। हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है। इसराइल और अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन गाजा पट्टी में हमास की हुकूमत चलती है। 2007 से ही गाजा में हमास की सरकार है। ईरान ने इस सरकार को मान्यता दी हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा फंडिंग हमास को ईरान से ही होती है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों को 10 करोड़ डॉलर की मदद करता है। इसमें से सबसे ज्यादा मदद हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को मिलती है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक कई बार हमास को तुर्की और लेबनान के फाइनेंसर्स के जरिए भी ईरान से फंडिंग हुई है। 2019 में लेबनान की एक मशहूर फाइनेंशियल फर्म ने ईरान और हमास के बीच पैसे के लेन देन में मध्यस्थ के तौर पर काम किया था। हमास के आतंकी इस पैसे का इस्तेमाल इसराइल को अस्थिर करने और लगातार हमले करने में करते हैं। इसराइल से जंग जारी रखने के लिए हमास को कई अरब देशों ने चैरिटी और क्रिप्टो के जरिए पैसे भेजे हैं। इसके अलावा हमास ने फर्जी कंपनियों का भी एक नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। मई 2022 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हमास ने तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक की कंपनियों में 50 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाली कंपनियों का एक सीक्रेट नेटवर्क तैयार कर रखा था। इसके अलावा गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट और हमास की सरकार में काम कर रहे लोगों को पेमेंट करने के लिए हर महीने कतर से 3 करोड़ डॉलर की मदद मिलती थी। गाजा के लोगों की मदद के नाम पर जितना पैसा हमास के आकाओं तक पहुंचता है, उससे वो लग्जरी जिंदगी जीते हैं। हमास के ज्यादातर बड़े नेता गाजा में रहते ही नहीं हैं, वो कतर, तुर्की और ईरान में अमीरों की तरह जिंदगी जीते हैं। हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का अनुमान है। हमास के नेता अबू मरजुक के पास करीब 300 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास के एक और बड़े नेता खालिद मशाल के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास को पैसे देने वाले देशों में कतर सबसे आगे रहा है। कतर, ईरान और तुर्की से मिल रही दौलत के दम पर हमास के आतंकियों के हौसले बुलंद हैं।